हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपने स्टूडेंट के लिए क्विज या टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम एक टाइम लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। टाइम लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है जब आपको अपने स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना होता है कि बच्चा उस लिमिटेड टाइम में ही अपने उस टेस्ट को कम्प्लीट करे। तो उस टाइम लिमिट को सेट करने के लिए अपने क्विज पेज पर कैसे करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अपने इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें पूरा, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हम अपने फॉर्म पेज में एक टाइमर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने उस क्विज को खोलूँगी, उस टेस्ट को ओपन कर लूँगी जिस टेस्ट के ऊपर आपको टाइमर सेट करना है। तो ये मैंने टेस्ट ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है। और टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्विज फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपको अपना कोई भी टेस्ट क्रिएट करना हो अपने स्टूडेंट के लिए तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइमर लगाना। तो सबसे पहले आपको जाना है इन थ्री डॉट्स पर, इनको क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर आप जाएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ऑन्स, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड ऑन्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको दिखेगा एक फॉर्म लिमिटर और एक टीमीफाई मी। ये दोनों ही आपके ऐप हैं जिसके हेल्प से आप अपने फॉर्म पेज पर टाइमर सेट कर सकते हो। तो पहला मैं आपको दिखाऊंगी फॉर्म लिमिटर की, फॉर्म लिमिटर की हेल्प से हम अपने गूगल फॉर्म के पेज पर, अपने क्विज पेज पर कैसे टाइम सेट करेंगे। तो मैं इसको क्लिक करूंगी, वो आपसे बोलेगा कि इसको इंस्टॉल करिए, तो यू हैव टू इंस्टॉल इट, यू हैव टू कंटिन्यू इट, देन इट विल आस्क यू टू लॉग इन टू योर आईडी। आपको अपनी आईडी पर लॉग इन करना है जिस भी आईडी के थ्रू आप अपने गूगल फॉर्म के पेजेस टेस्ट क्रिएट करते हैं। ये सारी कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली अलाउ कर दूंगी। उसके बाद इट विल से कि दैट यू हैव डाउनलोडेड इट, आपको यहाँ पर डन कर देना है। इस ऐप वाले पेज को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्म, एक एड ऑन्स का एक नया आइकन आपका आ गया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं टाइम कैसे सेट करूँगी। आप एड ऑन्स पर जाएंगे, इस पर आपको लिखा हुआ आ गया है कि आपने फॉर्म लिमिटर इसके साथ अटैच किया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। वो बोलेगा कि आपको टाइम सेट करना है, टाइम लिमिट सेट करनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पेन ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप टाइम लिमिट सेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, डेट एंड टाइम, नंबर ऑफ फॉर्म रिस्पॉन्सेज, स्प्रेडशीट सेल वैल्यू। सबसे पहला ऑप्शन है डेट एंड टाइम सेट करना। डेट एंड टाइम सेट ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब अपने बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो डेट मीन्स आपको किस डेट तक उस टेस्ट को कंप्लीट करा लेना है और उस डेट में किस टाइम तक आपको उस टेस्ट को कंप्लीट करा लेना है, तो वो टाइम हम यहाँ पर सेट कर देंगे और वो डेट हम यहाँ पर सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मुझे तो ये टेस्ट आज ही लेना है अपने ऑनलाइन क्लास में और उस ऑनलाइन क्लास के इन द बिटवीन टाइम पीरियड में ही लेना है, उसके बाद नहीं होना चाहिए। आपका ऑनलाइन क्लास का टाइम 8:30 से शुरू होकर 9:15 तक होता है, तो आप क्या करोगे? आपने आज ही इस पेज को क्रिएट किया है तो आप आज की ही डेट सेट कर दोगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आज 28 है तो वही डेट मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी। और अब के बाद का कितनी देर का टाइम, आपको पता है कि आपका टाइम 8:30 से शुरू है और 9:15 तक ख़त्म होगा, तो मैं यहाँ पर टाइम क्या सेट कर दूंगी, 9:05 या फिर 9:10 की, मैक्सिमम 9:10 तक बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें। और अब आप कहोगे कि ये आपने आज इसको क्रिएट किया है और ये 9:10 तक कैसे ख़त्म होगा, बच्चा इसको पहले लिंक, अब इस बच्चा इसको पहले लिंक करेगा ही नहीं इसको क्लिक, क्योंकि जब तक कि आप इसको सेंड नहीं करेंगे अपने स्टूडेंट के पास तब तक वो इस लिंक को क्लिक नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर टाइम सेट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी का टाइम सेट कर देती हूँ, मेरे क्लॉक में हुआ है 7:01, तो मैं यहाँ पर 7:05 का टाइम सेट कर देती हूँ, अभी PM है तो सेट हो गया मेरा। अब मेरे पास यहाँ पर मेरे क्लॉक में 7:01 है और मैंने आज की डेट सेट की है, तो अभी फ़िलहाल इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 4 मिनट्स हैं। अगर इस 4 मिनट में मैंने इस टेस्ट को कंप्लीट कर दिया तो इट्स ओके, अदरवाइज़ वो मुझे अलाउ नहीं करेगा इस टेस्ट को करने के लिए। तो ये मेरी टाइम सेट हो गया यहाँ से। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ़ फॉर्म रिस्पॉन्सेज। फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है उसकी आप लिमिट सेट कर दोगे कि अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो उस 50 बच्चों का ही लिमिट मेरे पास रिस्पॉन्स आए, अगर उसके अलावा कोई 51 का कोई बच्चा अगर इस टेस्ट को देना चाहे तो वो नहीं दे पाएगा।
स्प्रेडशीट जो हम अपनी स्प्रेडशीट इसके साथ लिंक करते हैं फॉर्म के साथ एक्सेल शीट, उसमें जो सेल की जो वैल्यू है वो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। जैसे सेल का आपको नेम पता ही है हमारा कैसे होते हैं, A1, A2, A3, A4, तो आपको पता है कि मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी जो उनका सेल का जो वैल्यू है वो A17 तक जाएगी, A16 तक जाएगी, तो मैं यहाँ पर A16 लिख दूंगी। A16 के बाद A17 पर वो कोई वैल्यू नहीं लेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक लिमिट हो गई कि इतने बच्चे ही इस टेस्ट को दे पाएंगे। तो नॉर्मली हम यहाँ पर डेट एंड टाइम ही यूज़ करते हैं, वो मैंने सेट कर दिया है। डेट एंड टाइम को जब मैं सेट कर दूंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7:05 फॉर एग्जाम्पल, 7:10 PM सेट कर देना है, इसको सेव एंड एनेबल कर देना है। सेव एंड एनेबल करने के बाद आप इस लिंक को कॉपी करके, जैसे कि आप भेजते थे, इस लिंक को कॉपी करके सेंड पर जाएंगे, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ग्रुप पे सेंड कर देंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वो आपकी जो टाइम है कि 28 डेट में वो 7:01 या 10 मिनट तक इस टेस्ट को कर पाएगा, तो वो भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और आपका काम भी हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ फॉर्म लिमिटर। अब मैं आपको एक और फॉर्म टाइमर सेट करके दिखाऊंगी, जो कि मैंने आपको दिखाया था ऐप में टीमीफाई, उसकी हेल्प से हम कैसे टाइम सेट कर सकते हैं। दोबारा से हमें वहीं पर जाना है, एडऑन्स पर क्लिक करना है, फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका, वहाँ पर आपको दिख रहा है टीमीफाई, आपको इसे क्लिक करना है, इसको भी आपको डाउनलोड करना है। कंटिन्यू डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से अपनी लॉगिन आईडी पर ही लॉगिन करना होगा। इट विल आस्क अगेन टू अलाउ यू टू दैट कंडीशंस, जैसे ही आप अलाउ करोगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जिसे आप क्लिक करना है। फिर आपको कुछ अपनी एडिशनल सेटअप करना है, एडिशनल सेटअप में वो आपसे मांगेगा आपकी लॉगिन, आपकी गूगल आईडी, ये सब चीज़ें वो मांगेगा। आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मेरा डायरेक्टली इसलिए ओपन हो गया क्योंकि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अ टीमीफाई आईडी विच हैव ऑलरेडी लॉग इन, तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा जैसे ही आप वहाँ के सारे फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। अब हम आते हैं इस पर, ये आपका ऑलरेडी आपकी आईडी से कनेक्टेड है, तो आपका गूगल फॉर्म और टीमीफाई में ये दोनों आपस में आप कनेक्टेड हो गए हैं। और कनेक्ट कैसे हो गए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस एड ऑन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ फॉर्म लिमिटर था पहले, अब देखो यहाँ पर टीमीफाई भी आ गया। तो वापस से हम टीमीफाई के डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों मेरे फॉर्म हैं जो मैंने बच्चों के लिए क्रिएट किए हुए थे। एक ए के चिल्ड्रन अकेडमी के नाम से एक फॉर्म क्रिएट किया था मैंने, एक साहिबाद पब्लिक स्कूल के फॉर्म से। मुझे फॉर एग्जाम्पल इस पर अपने टाइमर को सेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्रिएट टेस्ट पर जाऊँगी। क्रिएट टेस्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की आईडी को डालूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स को आपको ये भेजना है उन सब की आईडी को मुझे यहाँ पर टाइप करके और कॉपी पेस्ट करके, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। इसमें टीमीफाई में एक ड्रॉबैक है कि आप इसमें हर बच्चे की गूगल आईडी आपके पास होनी चाहिए, हर बच्चे की एक आईडी आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इसको उनके पास तक सेंड कर सको। तो यहाँ पर हमारे बच्चे की आईडी डाल देंगे, तो मैं यहाँ फिलहाल अपनी आईडी डाल लेती हूँ, मेरे पास अभी कोई आईडी नहीं है किसी भी स्टूडेंट की, तो मैं आपको अपनी आईडी की हेल्प से आपको एग्जांपल के लिए समझा देती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। जी सॉरी, अगेन आई हैव टू टाइप। हो गया, मेरी आईडी मैंने डाल दी। यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगी, कितने टाइम के लिए आपको उस टेस्ट को देना है स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट्स लिख दूंगी। इसको मुझे ऑटो क्लोज करना है फॉर्म को व्हेन टाइम ओवर, मींस जब बच्चे के 30 मिनट्स हो जाएं, उस पेज के 30 मिनट्स हो जाएं, उनको लिंक क्लिक करे हुए 30 मिनट्स हो जाएं, तो पेज अपने आप सबमिट हो जाए, चाहे बच्चे का टेस्ट कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ, क्योंकि टाइम लिमिट का मतलब यही होता है कि वो एक लिमिट टाइम में उस टेस्ट को कंप्लीट करे। तो मैं इसको क्रिएट कर दूंगी, क्रिएट हो गया मेरा। अब मुझे उसको सेंड करना है, जो मैंने टेस्ट क्रिएट किया है वो उस बच्चे को मुझे सेंड करना है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, डुप्लीकेट कैनॉट बी क्रिएटेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए इसी आईडी के लिए एक टेस्ट
का लिंक मैंने उसको पहले ही भेजा हुआ है, तो मैं उसकी हेल्प से ही आपको इस लिंक की हेल्प से ही बता देती हूँ। वो एक मैसेज डिस्प्ले हुआ था कि आप डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हो, उसी टेस्ट के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट का टाइम सेट किया था, तो मैं इसी टाइम से आपको बता देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेंड करना है। सेंड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेंड टेस्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पर जितनी भी आईडी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, मुझे सब आईडी को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट ऑल भी करूँगी तो हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। आप यहाँ कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चे को तो आप वो लिख सकते हैं, फ़िलहाल मैं कोई मैसेज नहीं लिख रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर सेंड टेस्ट। अब उस बच्चे के पास ये टेस्ट जा चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मैं आपके लिए अपना जीमेल आईडी ओपन करके दिखाती हूँ कि वो टेस्ट मेरे पास आया है कि नहीं। यहाँ पर ये मेरे पास टेस्ट आ चुका है जो कि मैंने अभी अभी भेजा है। ये देखिए, ओपन द फॉर्म, मैं यहाँ पर ओपन करूँगी। बच्चा अपनी आईडी खोल के अपना फॉर्म ओपन करेगा। दिस फॉर्म विल ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर दिस मच मिनट, ये पूरा मैसेज यहाँ पर आया है। ओपन द फॉर्म, यस, ओके। यहाँ पर मेरा फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक टाइमर दिखेगा। आप कह रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इस टेस्ट को मैंने ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट किया हुआ है। अदरवाइज मैंने अटेम्प्ट नहीं किया होता तो यहाँ पर आपको फॉर्म विजिबल होता और यहाँ पर आपका टाइमर इस तरह से चल रहा होता। तो इस तरह से भी आप अपने स्टूडेंट को अपने टाइमर अपने फॉर्म के लिए सेट करके भेज सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। मैं अभी एक और चीज़ आपको बताऊँगी, यहाँ पर पब्लिक फॉर लिंक का क्या मतलब है। यहाँ पर पब्लिक फॉर लिंक में जो मैंने टेस्ट का भी टाइम सेट किया है उसी को मुझे भेजना है। कैसे भेजना है, पब्लिक फॉर लिंक मेरे को यहाँ पर उस लिंक को कॉपी करूँगी। मैं ये लिंक कॉपी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम तब चूज़ करते हैं जब आपको पता है कि आपको अपने आपके ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 100 स्टूडेंट्स को आपको इस टेस्ट को भेजना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या फिर आपका कोई गूगल का आपका गूगल क्लासरूम है आप जिसमें आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो आपको वहाँ पर उनको भेजना है, एक साथ सब बच्चों को लिंक भेजना है। क्योंकि आप अलग अलग बच्चों की आईडी डालोगे, हो सकता है किसी की मिस हो जाए, तो हम उसे उस ग्रुप में भेज देंगे इस लिंक को। चलिए तो वो कैसे भेजेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया और उस ग्रुप में मैं उसको भेज दूँगी। जैसे ही उस ग्रुप में मैं उसको भेजूँगी, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ उसको। इसको मैं एक ग्रुप मान लेती हूँ आपका व्हाट्सएप का और मैं इसको अपने आप को सेंड करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा ये लिंक कॉपी करने के लिए। तो मैं जैसे ही इस बच्चा इस अपने ग्रुप में से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से इस लिंक को क्लिक करेगा तो एक पेज डिस्प्ले होगा उसके सामने। उस पेज में वो बोलेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, तो वो बच्चा अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेगा और वो उसको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा और वो कहेगा गेट योर लिंक। तो वी हैव सेंट एन ईमेल और जो लिंक आपने उसको भेजा है वो उनकी आईडी पर उनके पास पहुँच जाएगा। तो आपको पर्सनली किसी बच्चे की ईमेल आईडी को डालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हर बच्चा अपने आप अपने उस लिंक को क्लिक करेगा, अपने आप अपने उस लिंक से अपनी आईडी पर अपने टेस्ट को भेज लेगा। जैसे कि आ गया, मैंने वहाँ पर भेजा था, ये देखिए आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास लिंक आ गया, बच्चा भी यहाँ से अपने लिंक को ओपन करेगा और अपने टेस्ट को कम्प्लीट करेगा। तो ये था ऑलरेडी बीन यूज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको यूज़ कर लिया है तो ऑब्वियसली दैट विल शो दैट मैसेज। तो ये था हमारा 2 मेथड जिसकी हेल्प से मैं अपने फॉर्म पेज पर टाइम लिमिट को सेट कर सकती हूँ अपने स्टूडेंट के लिए और वो बच्चा उसी लिमिट में अपने टाइम को अपने टेस्ट को कंप्लीट करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, एक्चुअल में आपके वर्क आया, तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा और आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो आगे आने वाले मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और टिल देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।